ट्रैफिक आज इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर उन लोगों को जो सड़कों पर पैदल चल रहे होते हैं। पैदल चलने वाले बच्चे और बुजुर्गों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। भले ही पुलिस प्रशासन ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दिक्कतें पेश आ ही रही है। आज गाड़ियों की आवाजाही शहरों में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के लिए यही गाड़ियां जी का जंजाल बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहरों में पैदल जाते हैं। पैदल चलने वालों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग शामिल है। लोगों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को इसलिए भी चलने में परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से पार करते हैं। जो मुद्दे चले हुए कि जो बाजार में तंग गलियों के बीच में जो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, और जो स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको चलना इस करके मुश्किल हो गया। कुछ लोग जो वाइकर्स है वो बेतरीके से गाड़ी बीच सड़क में पार्क करते, कोई बिजनेस के तौर देते, वो ये नहीं सोचते कि मेरी गाड़ी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उस वजह से बच्चों को और बुजुर्गों लोगों को आना जाना दिक्कत आ रही है। लोगों ने बताया कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तो उन लोगों को इसलिए परेशान होना पड़ता है क्योंकि शहरों में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर भी लोग अपनी गाड़ियां और स्कूटर मोटर बाइक इत्यादि पार्क करके चले जाते हैं, जिसका खामियाजा पैदल चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। मंडी की गलियां हैं, चौटा से नीचे जो चार पाँच है जो भी है, तो सवेरे जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आमतौर पर ड्यूटी के लिए जाते हैं या कोई अपने बिजनेस धंधे के लिए जाते हैं, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि छोटी मोटी व्हीकलें वहाँ लगा देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, स्कूल में आने जाने में देरी हो जाती है। या वैसे भी तो मैं ये चाहूँगा प्रशासन से कि इसको इस पर रोक लगाई जाए और इस पर नज़र रखी जाए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी भी शहरों में सुधार नहीं हो सकता। कोई समाज शहर कितना सभ्य है इस बात का अंदाजा उसकी यातायात व्यवस्था, उसकी पार्किंग समस्या, उसकी उस शहर में कानून व्यवस्था से लगाया जाता है। हमारे मंडी शहर में भी यातायात व्यवस्था को संपूर्ण रूप से यातायात व्यवस्था ठीक चले, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी अपने स्तर पर इसके कदम उठाने पड़ेंगे। गौर रहे कि पुलिस प्रशासन भले ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करता हो, लेकिन बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक लोगों की सोच अपने समाज में बदलाव के प्रति नहीं बदलेगी तब तक चाहे प्रशासन और सरकार कुछ भी कर ले, यातायात में सुधार नहीं हो सकता। लोगों द्वारा जिस तरीके से छोटी छोटी गलियों में भी पार्किंग बनाई जा रही है, इससे केवल आम जनता को ही दिक्कतें पेश आएंगी। के चैनल के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक, अभी के उस पर आपको बताएंगे कि मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या किया गया है यातायात को लेकर और जनता क्या करती है।